उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने फोटोसिंथेसिस इजी लैंग्वेज में यहाँ पर डिफाइन किया है और जितने भी फोटोसिंथेसिस की जो भी डिफिनीशन है इवेंट्स हैं प्लेस कहाँ पर फ़ोटो हो रहा है और फैक्टर्स क्या हैं सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है विद फिगर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल what is the definition of photosynthesis so student this is the definition listen carefully so photosynthesis is a process used by plant and other organism to convert light energy into chemical energy that through cellular respiration during photosynthesis in green plant light energy is captured and used to convert वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके सो बेटा दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट यूज लाइट लाइट मीन्स सनलाइट सेकेंड थिंग इज वाटर एंड थर्ड थिंग इज सी ओ टू ऑल द थ्री थिंग्स वेरी नेसेसरी फॉर फोटो सिंथिस मतलब फोटो सिंथिस का जो प्रोसेस होता है उसमें सिंपल सा आपको सनलाइट चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फोटो सिंथिस के प्रोसेस के लिए और दूसरी चीज़ जो फोटो सिंथिस की प्रोसेस हो रही है उसमें ग्रीन प्लांट अपने लिए फूड का फार्मेशन करते हैं बाई ऑटोट्रॉफिकली अपने आप ऑटोट्रॉफिकली ओके सो दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड द डिफिशन ऑफ द फोटोसिंथिस आई होप ऑल ऑफ यू बेटरस्टूड अबाउट दिस इसके बाद नेक्स्ट बेटा फोटोसिंथिस की रिएक्शन इन दिस रिएक्शन सिक्स मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्वेल्व मालिक्यूल ऑफ वाटर एंड द सोलर एनर्जी विच इज कम फ्रॉम द सनलाइट आर यूटिलाइज बाय द ग्रीन प्लांट एंड द प्रोडक्ट आर ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड सिक्स मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आल्सो लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड सिक्स मालिक्यूल ऑफ वाटर आर फॉर्म सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस सिंपल से बेटा इस रिएक्शन में सिक्स मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बारह मालिक्यूल्स वाटर के और जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी का यूज होता है और फूड का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये लिखा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है और वाटर भी फॉर्म होता है समझ में आया तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो डिफिनीसन आपको मैंने बता दी जो रिएक्शन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी अब एक सिंपल सा मैंने यहाँ डायग्राम लिया है इस डायग्राम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये एक ग्रीन प्लांट है दैट इज़ द ग्रीन प्लांट यहाँ पर आपको सनलाइट दिख रही है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज़ द और ये क्या इस साइड में ये वाटर यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपकी दे आर थ्री थिंग्स इनको ये ग्रीन प्लांट यूज़ कर रहे हैं ये ग्रीन प्लांट आपका है और इनको यूज़ करके जो प्रोडक्ट क्या बना प्लांट अपने लिए शुगर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस निकल रही है सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अंडरस्टूड ये मैंने इस फिगर के द्वारा आपको बता दिया इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड उनको मैं यहाँ पर एक एक करके आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट फोटोसिंथिस आल्सो अप्लाई टू अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स ग्रीन प्लांट दीज इंक्लूड सेवरल प्रोकरियॉट्स सच एज साइनो पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दिज ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट सिंपल बेटा एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट अदर डिफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रियोटिक सच एज साइनो बैक्टीरिया पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथिस मतलब फोटोसिंथिस ग्रीन प्लांट के अलावा कुछ प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो मैंने आप बताया है, साइनो बैक्टीरिया पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो भी करते हैं अगला पॉइंट द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इज देन यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटी द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन सिंपल लैंग्वेज में बेटा जो फोटोसिंथिस के द्वारा प्लांट अपने लिए फूड बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज उसका यूज वो डिफरेंट अन्य जो प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में जो अन्य सेलुलर एक्टिविटी होती है डिफरेंट उनमें यूज़ होता है जैसे हम लोग फूड खाते हैं एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का यूज हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी में करते हैं सेम वैसे प्लांट भी करते हैं और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बाद में क्या बनता है ऑक्सीजन गैस प्लांट में अल्टीमेटली ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट करते हैं मतलब निकालते हैं नेक्स्ट पॉइंट ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कार्ड क्लोरोफिल The chlorophyll molecule is very important light energy is absorbed by chlorophyll molecule where carbon dioxide oxygen enter through the tiny pores of the stomata located in the epidermis of leaves सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा इसमें सिंपल सा क्या होगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स होती हैं उनमें माइन्यूट पोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा उन स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है गैसवस एक्सचेंजमेंट होता है सेकेंड थिंग जो लीव्स हैं मैं इसके नीचे अभी डायग्राम है उसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको लीव्स में क्लोरोफिल मालिक्यूल्स होता है विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल मालिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथिस ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं इस वीडियो में कुछ जो आपको एमसी क्यू आएंगे आपके टेंथ क्लास में सीबीएससी में वो भी मैं क्लियर कर रहा हूं कि कहां कहां से एमसी क्यू बन सकते हैं मॉरल वेस्ड क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं तो द क्लोरोफिल पिगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको अपने माइंड में रखिएगा इसके बाद में जो नेक्स्ट ये पिक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फोटोसिंथिस इन द प्लांट सेल मैं इस फिगर के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पर फोटो हो रही है इसको मैं जूम कर रहा हूँ और इसको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द लीफ विच इज़ फाउंड इन द प्लांट सो इस लीफ को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर आपको मीज़ोफिल सेल्स दिखेंगी ये दिस इज द मीजोफिल सेल्स ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द मीजोफिल सेल्स और इन मीजोफिल सेल्स में ये जो ग्रीनिश सेल्स दिख रही हैं इनको नीचे बनाया गया ये वाला फिगर है दिस इज द प्लांट सेल और इस सेल में यह आपका क्लोरोप्लास्ट है और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका सिंपल सा क्वाइन लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड थाइलेक्वाइट ये दिख रहे हैं और थाइलेक्वाइट में एक क्वाइंस सॉरी क्वाइंस को बोलते हैं थाइट और इन क्वाइंस के जो ये आपको स्टेक दिख रहा है ये पूरा बंच दैट इज कॉल्ड ग्रीना ओके okay, सो so इसी थालेक्वाइड में ही आपका क्या क्लोरोफिल मालिक्यूल्स प्रेजेंट मीन्स क्लोरोफॉल मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन दिस थैलेक्वाइड अंडरस्टूड एक क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे भी एक स्लाइड में बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है देखिएगा दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ओके बेटा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा आई होप कि आप इससे और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे क्लोरोप्लास्ट डबल मेंब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन द फ्लूड विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड स्ट्रोमा जो फ्लूड होता है क्लोरोप्लास्ट में उसको स्ट्रोमा बोलते हैं ये सिंपल से जो आपको बंच दिख रहे हैं क्वाइंस लाइक like इनको बोलते हैं स्टेक ऑफ थाइलेक्वाइड दैट इज कॉल्ड ग्रेना और एक क्वाइंस को बोलते हैं थाइलेक्वाइड अंडरस्टूड और इसमें जो एक ग्रेना दूसरे से कनेक्ट रहता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा सो इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन थालेक्वाइट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग द फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट बेटा सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लिया है जिसके द्वारा सिंपल सर फोटो की जो प्रोसेस है उसको मैंने यहाँ पर इस इमेज के द्वारा आपको समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा ये एक फोटोसिन ये क्लोरोप्लास्ट है ये देखिए सनलाइट है सनलाइट से जो भी एनर्जी आती है वो एनर्जी कौन लेते हैं जो थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल मालिक्यूल से यहाँ पर होंगे ये देखिए रेड रेड करके आ रहा है ठीक ये थैलेक्वाइड यहाँ पर इस जगह पर आपका क्लोरोफिल मालिक्यूल्स होगा सो क्लोरोफाल मालिक्यूल्स रिसीव द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एनर्जी पैकेट होते हैं दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स उनको क्लोरोफिल मालिक्यूल्स रिसीव करते हैं देन आफ्टर वाटर का भी यूज हो रहा है आप देखिए वाटर से ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है यहाँ पर तो वाटर का भी यूज हो गया देन उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर से सीओ टू आई है वो सीओ टू का यूज क्लोरोप्लास्ट में हुआ और फाइनली जो क्या हो गया प्लांट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया अंडरस्टूड सो दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पर लिखा ये देखिए सुगर का फॉर्मेशन हो गया प्लांट्स में कैलविन साइकिल के द्वारा सो so ये हायर क्लासेस में आप लोग स्टडी करेंगे कि कैलविन साइकिल क्या है बट एट टेंथ क्लास सिंपल सा आपको ये जानना है कि वाटर का और ऑक्सीजन और सी ये कैसे कहाँ से लिब्रेट हो रहे हैं सनलाइट का क्या यूज़ है तो मैंने सिंपल सा बता दिया कि जो आपको सी मिल रही उससे शुगर का फॉर्मेशन हुआ एच से आपको ऑक्सीजन मिली और सनलाइट को क्लोरोफिल ने लिया उससे ए और एन रिच एनर्जी रिच मालिक्यूल्स बने जिनका यूज़ होता है प्लांट यूज़ करते हैं फूड के फार्मेशन में तो ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा आपको नेक्स्ट वॉट इज द स्टेप विच इज फाउंड इन द फोटोसिंथिस सो सिंपल से ये बेटा स्टेप है जो फोटोसिंथिस में फॉलो होते हैं द फर्स्ट स्टेप क्या है सी ओ टू एंड एच टू इंटर द लीव फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटमोसफेरिक सी ओ टू और वो लीव्स में स्टोमेटा के द्वारा इंटर करती है और नीचे से मतलब रूट से वाटर इंटर करता है नेक्स्ट स्टेप लाइट हिट्स द पिगमेंट इन द मेम्रेन ऑफ थैलेक्वाइट स्प्लिट द एच टू ओ इन टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन दैट लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइट विच इज कम फ्रॉम द सन रिसीव टू द थैलेक्वाइट इन दैलेक्वाइट है क्लोरोफिल मालिक्यूल तो क्लोरोफिल मालिक्यूल उसको रिसीव करेगा और इस लाइट का यूज क्या होगा वाटर को स्प्लिट करने में मतलब जो वाटर रूट से पहुंचा है वो वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव डाउन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लूजिंग एनर्जी एट एवरी लेवल ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा एक इसमें सिस्टम चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके द्वारा क्या होता है एनर्जी की रिलीज होती है फोर्थ स्टेप सनलाइट हिट द सेकेंड पिगमेंट मालिक्यूल एलाउंग द एनजाइम टू कन्वर्ट ए डी पी टू ए टी पी एंड एन ए डी पी पॉजिटिव गैट्स कन्वर्टेड टू एन ए डी पी एच देखिए सनलाइट जो आ रही है वो क्लोरोफिल में पहुंची और वहां से क्या हुआ फिर कन्वर्ट हो गया एनर्जी रिच ये मालिक्यूल्स होते हैं ए डी पी मीन एडिनोसाइन डाइफॉसफेट जो चेंज हो जाता है एडिनोसाइन ट्राई में देन उसके बाद दूसरा एनर्जी रिच मालिक्यूल्स होता है एन ए डी पी पॉजिटिव जो कन्वर्ट हो जाता है एन ए डी पी एच में इन एनर्जी रिच मालिक्यूल्स का यूज प्लांट फूड के फार्मेशन में मीन्स शुगर के फार्मेशन में करते हैं नेक्स्ट स्टेप द ए टी पी एन ए डी पी आर यूज बाय द कैलविन साइकिल एज ए पावर सोर्स फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर इन टू सिंपल सुगर मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि ये जो एनर्जी रिच रिच कंपाउंड आपके ए टी पी और एन ए डी पी बने हैं इनका यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके सिंपल सा सुगर में चेंज होगा और ये जो साइकिल प्रोसेस होता उसको है उसको कैलविन साइकिल कहते हैं ओके नेक्स्ट द कैलविन साइकिल कन्वर्ट थ्री कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एटमोसफेयर टू ग्लूकोज कैल्विन साइकिल में क्या होता है ये थ्री कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है एक ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में सेकेंड ऑफ द टू मेजर स्टेजेस इन द फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग द लाइट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फिक्सेशन बाय रिड्यूसिंग इट्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इसमें बेटा ये समझिए कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होते हैं एक लाइट रिएक्शन दूसरा डार्क रिएक्शन ओके सो सिंपल सा ये होता है कि लाइट रिएक्शन फोटो सिंथिस में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और डार्क रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट होती भी है और नहीं भी होती है समझ में आ गया वो हायर क्लासेज में आप स्टडी करोगे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है तो इसी के द्वारा लाइट और डार्क की रिएक्शन में जो प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन और फूड का फॉर्मेशन अपने लिए करते हैं द लास्ट हेडिंग ऑफ द फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक सो फर्स्ट फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इन्हेंस द रेट ऑफ फोटोसिंथिस कार्बन डाईआक्साइड इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाईऑक्साइड आर इंक्रीजेज दैन द रेट ऑफ द फोटोसिंथिस आर ऑल्सो इनक्रीजेज सिंपल सा मतलब यदि एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी जितनी सफिसियंट मात्रा में प्लांट्स को चाहिए तो फोटोसिंथिस ठीक प्रकार से होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिडिक्सन होता है जिसी से क्या होता है प्लांट अपने लिए फूड का फार्मेशन करते हैं next, intensity and quality of light affect the rate of photosynthesis. also very important points because if light means sunlight not proper received by the plant, agaruski intensity of proper light plants not name then the plant may photosynthesis proper, not yogi. that's why the intensity of light is very important. next, photosynthesis is affected by temperature. photosynthesis is sensitive to high temperature as high temperature causes the inactivity. इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इसका सिंपल सा मतलब है जितनी टेम्परेचर रिक्वायर है अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें प्लांट्स में क्या होता है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है रीजन इज दैट जो एंजाइम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो डी हो जाते हैं मतलब वो एक्टिव नहीं रह जाते हैं सो एंजाइम आर इन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर दैट्स वाई फोटोसिंथिस आर नॉट प्रॉपरली अकर्ट ओके सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मैंने यहाँ पर बेटा एक्सप्लेन किया आई होप आप लोगों को फोटोसिंथेसिस कंप्लीट ये समझ में आई होगी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से कहिएगा कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कम समय में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फोटोसिंथेसिस सिंथिस हैं उनको एक बार आप सुन लीजिए the definition part is very important reaction is also very important place of photosynthesis also very important and factor all the four headings are also very important which is also important relative to your examination so thanks to all